गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट अकेडमी, क्राफ्टिंग यंग माइंड्स. सो दिस इज द कंटिन्यूएशन लेक्चर फॉर 10th स्टैंडर्ड ICSE स्टूडेंट. द सब्जेक्ट इज हिस्ट्री. ठीक है, राइट. एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कल्प टू प्लीज डोंट मैसेज मी एंड कॉन्सेंट्रेट इन द लेक्चर. Okay, and this is me presented by Zaid sir. Okay, चलिए. ये सब कुछ सिखा चुका हूँ, स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, राइट. ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने मिलेगी, राइट. अब जरा बैकग्राउंड देखते हैं. देखिए, ये सूरत स्प्लिट क्या है, आपको पहले तो पता ही है आपको कि कांग्रेस जब से इसका गठन हुआ, जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, तब से ये हर साल दिसंबर में, राइट, फ्रॉम दिसंबर 1885, ठीक है, राइट, ये हर साल 1885, 1886, समथिंग लाइक दैट, हर साल क्या करती है, ये अपने सेशंस रखती थी, ठीक है. और आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि राइट फ्रॉम 1885 टू 1905 ये किसका फेज था, इट वॉज द फेज ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, राइट. ठीक है, और हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सूरत स्प्लिट है, वो कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड यहां से शुरू होता है 1905 से, और टू बी प्रिसाइज 16th of October 1905. ठीक है, और ये क्या है भाई, ये है नेशनल मॉर्निंग डे. ठीक है, ये नेशनल मॉर्निंग डे है, राइट. अब देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ा समझना है कि क्या होता है सूरत में. ओके, सबसे पहले तो आप ये सूरत स्प्लिट क्या है, इसका थोड़ा बहुत आप आउटलाइन जान लीजिए कि भाई 1907 में सूरत का सेशन होता है. सूरत जो उस समय पर बॉम्बे प्रोविंस, जो ब्रिटिश सरकार है उसके हिसाब से बॉम्बे प्रोविंस में सूरत आता था. ठीक है, तो सूरत में तापी नदी आपको पता ही है ना, तपती, तापी नदी, उसके किनारे पे सेशन होता है. ठीक है, राइट, इतना समझ में आ गया, बस ये ध्यान रखिए. अब क्या होता है, ये सेशन में कुछ ऐसा होता है कि जो मॉडरेट्स है और जो असर्टिव्स है, इनके बीच में डिविजन हो जाता है, एक दरार पड़ जाती है. ठीक है, राइट, ये दरार पड़ जाती है, समझ में आया. ओके, तो इसी को कहते हैं सूरत स्प्लिट, जहां पर मॉडरेट्स और असर्टिव्स, ये लोग अलग हो जाते हैं, इनके रास्ते अलग हो जाते हैं. ठीक है, राइट, इतना समझ में आया बेटा सूरत स्प्लिट क्या है. ये पहले ही बता दिया मैंने कि मॉडरेट्स और असर्टिव्स के बीच में अब दरार पड़ चुकी थी और दोनों अलग हो गए थे. गिव मी अ थम्स अप. ओके ओके, ठीक है, ये सूरत का एंड पॉइंट है. एंड पॉइंट मतलब कहेंगे कि ये लास्ट में होता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो शुरू होता है, इसका बैकग्राउंड जो शुरू होता है, वो शुरू होता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट से. कहां से, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जो बखूबी हम ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अक्टूबर में, जो 16th of October है, उससे कहीं पहले हम लोग ने शुरू कर दिया था एंटी पार्टीशन एजिटेशन, आपको पता ही है. अक्टूबर गया और तकरीबन 2 महीने बाद दिसंबर में 1905, देखो ये दोनों 1905 है, आपको पता ही है ये चीज. यहां पर क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का पार्टीशन होता है, राइट, और इससे हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू करते हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. और तकरीबन 2 महीने बाद यहां पर क्या होता है, टाइम तो शेड्यूल था ही कि भाई दिसंबर में क्या होने वाला है, कांग्रेस का सेशन होने वाला है. ठीक है, राइट, अब होता क्या है देखिए, यहां पर जो 1885 से 1905 है, ठीक है, यहां पर मॉडरेट्स का दबदबा रहता है. द रेन ऑफ द कांग्रेस वॉज इन द हैंड्स ऑफ द मॉडरेट्स, मॉडरेट लीडर्स के हाथ में ये चीज होती है. लेकिन लेकिन आप देखिए कि जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट था, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट था, इसको पॉपुलराइज करने के लिए किसका सबसे बड़ा योगदान था, तो कहेंगे
असर्टिव्स का था। अब क्या होता है, अब है ना, दो मुद्दे हैं जो हमें समझना है सूरत स्प्लिट से। सूरत स्प्लिट के पीछे दो मुद्दे थे, और दो मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा क्या था तो कहेंगे कि डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज। ओके, डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज, किसकी आइडियोलॉजीज, तो कहेंगे मॉडरेट्स की और असर्टिव्स की। ठीक है, मॉडरेट्स और असर्टिव्स की जो आइडियोलॉजीज में डिफरेंस था, ये पहला कारण बनता है सूरत स्प्लिट का। ठीक है, सेकंड में क्या है, बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में एक कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन दी मॉडरेट्स एंड दी असर्टिव्स। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था देखते हैं। लेकिन आपको जैसे पता है कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो चल रहा था, इसमें जो पॉपुलैरिटी थी, ये पॉपुलैरिटी किसकी थी, तो कहेंगे असर्टिव्स की थी। राइट, अब होता क्या है कि असर्टिव जो है वो धीरे धीरे धीरे, मतलब ये 2 महीने के स्पैन में अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे। और क्या होता है तो कहेंगे कि अब असर्टिव जो है ये एकदम स्ट्रॉन्गर होने होते जा रहे थे, और कांग्रेस के जो बाकी यंग लीडर्स है, ठीक है, कांग्रेस के जो बाकी यंग लीडर्स है उनको भी, मतलब असर्टिव्स को भी इनका बैकअप था। मतलब कहते हैं कि असर्टिव्स की आइडियोलॉजी से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स प्रभावित थे। ठीक है, वो मॉडरेट्स की तरफ उनका झुकाव नहीं था। तो असर्टिव्स की पॉपुलैरिटी देखकर, असर्टिव्स सोचते हैं, कहते हैं कि क्यों ना इस बार जो 1905 जो दिसंबर में जो सेशन होने वाला है, तो इसकी अध्यक्षता, ये कांग्रेस की सेशन की अध्यक्षता या कहेंगे प्रेसिडेंटशिप में, कहेंगे असर्टिव्स के लीडर को बिठाया जाए, असर्टिव्स में से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, पहला कारण ये था। सेकंड क्या था, सेकंड मैंने आपको कहा ना, बंगाल जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था, ठीक है, वो बंगाल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन जो असर्टिव्स थे ये चाहते थे कि बंगाल से जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए, एक ऑल इंडिया मूवमेंट बनाया जाए। ठीक है, ये दो कारण थे। कारण क्या था, देखो बैकग्राउंड समझा रहा हूं, बैकग्राउंड में क्या था, सबसे पहला कारण था प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, कि भाई इस बार प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सेकेंड था कि भाई इसको जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, इसको बंगाल से बाहर लेकर जाए, इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए। ये दो कारण थे। ये कौन कह रहा था, ये असर्टिव्स कह रहे थे। लेकिन मॉडरेट्स क्या करते हैं, मॉडरेट्स जो है वो इतनी आसानी से अपना होल्ड जो है कांग्रेस से गवाना नहीं चाहते थे। ठीक है, राइट, तो क्या होता है, अब तो कहेंगे कि सबसे पहले तो डिसाइड होता है कि भाई सेशन कहां होने वाला है, सेशन होने वाला है बनारस में। कहां पर होने वाला है सेशन, बनारस में। और ये बनारस कहां है, आज के जमाने का उत्तर प्रदेश, या उस समय का यूनाइटेड प्रोविंसेस। ओके, यूनाइटेड प्रोविंस जो है उसको हम आज के जमाने में उत्तर प्रदेश जानते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा, गिव मी अ थम्स अप। 1905 की हालत समझ में आई, 1905 की हालत समझ में आई। ओके, ठीक है, अब होता क्या है, अब देखिए, अब होता क्या है कि 1905 में मॉडरेट्स के द्वारा, ठीक है, असर्टिव्स को सप्रेस कर दिया जाता है, मतलब असर्टिव्स को दबा दिया जाता है। अब क्यों, क्योंकि मॉडरेट समझते थे भाई साहब इसको पैन इंडिया मत बनाओ, ये जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है पहले इसको बंगाल में ही चलाओ। अभी चलाने को कितना महीना हुआ है, सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, है ना, अक्टूबर में आपने शुरू किया, नवंबर आया और दिसंबर में तो सेशन आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बंगाल के बाहर लेकर जाओ और पूरा के पूरा पैन इंडिया मूवमेंट कर दो, ऑल इंडिया मूवमेंट करो, नहीं। ठीक है, तुम लोग आज कल के आए हो, तुमको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो बंगाल में ही रहने दो। पहला चीज ये हुआ कि भाई असर्टिव्स की जो मांग थी, असर्टिव्स जो रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते थे कांग्रेस से, ठीक है, जो कांग्रेस से जो रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते थे कि भाई ये बॉयकॉट
एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको आप ऑल इंडिया लेवल पर प्रोपागेट करो। लेकिन क्या हुआ, मॉडरेट्स ने मना कर दिया, बोले भाई पहले तो क्या करना है, पहले तो कहेंगे बंगाल पे फोकस करो, फोकस ऑन बंगाल और बंगाल को कंसोलिडेट करो, यहां पर अपनी जड़े मजबूत करो, अपनी जो पकड़ है वो बंगाल में मजबूत करो, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है, आपको क्या पता है कि कोई भी आंदोलन है कोई भी रिवॉल्ट है ये ज्यादा समय तक नहीं चलता, ठीक है, ये सोडा की बोतल की तरह होता है, राइट, ठीक है, ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है, ओके। तो ये जो फायदा उठाना चाहते थे असर्टिव्स, जो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, असर्टिव्स है, राइट, उनके बीच में हर्डल बन रहा था, उनके बीच में हर्डल कौन बन रहा था, तो कहेंगे मॉडरेट्स बन रहे थे। अब क्या होता है कि 1905 का जो सेशन होता है उसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि बंगाल से बाहर लेके जाने के लिए मना कर देते हैं कि भाई बंगाल को फोकस करो, बंगाल को कॉन्सेंट्रेट करो। अब आती है प्रेसिडेंटशिप की बात, तो असर्टिव्स बोलते कि आपने हमारी बात तो नहीं मानी, इसको ऑल इंडिया लेवल नहीं बनाया, लेकिन प्रेसिडेंट तो हमें दीजिए, हमारा प्रेसिडेंट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या तो लाल बने, या तो बाल बने, मतलब लाल लाजपत राय बने, या तो बिपिन चंद्र पाल बने, या तो कहेंगे कि ये लाल लाजपत राय बने, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक बने, ओके। तो ये तीनों में से किसी को भी प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि मॉडरेट्स एक दांव खेलते हैं। मॉडरेट्स क्या करते हैं, हुकम का इक्का निकालते हैं, और हुकम का इक्का कौन था पता है आपको, तो कहेंगे ये, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ फोटोज बताए थे आपको, ये कौन है जरा बताइए आप, ये कौन है जरा बताएंगे आप, कमेंट करके बताइए बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कहां होता है सेशन, बनारस में होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1905, ठीक है, 1905 क्या होता है, बनारस में सेशन होता है, कौन आते हैं, गोखले साहब आते हैं। अब गोखले साहब, अगर आप देखें गोखले साहब को, तो ये कौन थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ INC, बहुत ही ऊंचे स्तर के लीडर है, राइट, बहुत ही ऊंचे स्तर के लीडर है, मतलब इनको अपोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 1905 में जो दूसरे मॉडरेट्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोखले साहब जो है इनका नाम प्रपोज किया और बोला भाई हमारे साइड से तो यही प्रेसिडेंट बनेंगे। अब सीधी सी बात है कि बनारस में जब सेशन होगा, ठीक है, और गोखले साहब बैठेंगे, तो जो लाल बाल पाल है, ठीक है, लाल बाल पाल, और यहां पर और एक नाम जोड़ दूं मैं, तो औरोबिंदो घोष, ठीक है, राइट, ये सब असर्टिव्स है। तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा पब्लिक फिगर जो कहीं ना कहीं लाल बाल पाल का भी मेंटर रहा है या मेंटर रहे हैं और मेंटर थे भी, तो क्या इनको अपोज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये ट्रायो ने, या ये जो चारों लोग हैं, इन्होंने सोचा खैर जाने दीजिए, इस बार अपना रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ, जो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट है इसको ऑल इंडिया करना है, तो इसका भी अपना रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, और प्रेसिडेंटशिप भी गई अपने हाथ से, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया प्रेसिडेंट, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अगले साल देखेंगे, कब देखेंगे, अगले साल। अब अगला साल क्या है, 1906 है, अगला साल क्या है बेटा, 1906। अब क्या है, बैकग्राउंड में तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट तो चालू ही है, ठीक है, अपने जोरों शोरों पे है। एक साल जो है, राइट, फ्रॉम 1905 टू 1906 ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू है। लेकिन अब क्या होता है, अब अगेन क्या होगा कि इस बार भी जो ऑल इंडिया जो रेजोल्यूशन है, मतलब कहेंगे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है, राइट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, SNB लिखूंगा, ये बहुत लंबा लिखना पड़ता है मुझे, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, जो पिछली बार हमारा रेजोल्यूशन, जो असर्टिव्स का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, असर्टिव्स की जो कहेंगे मांगे पूरी नहीं हुई थी, वो असर्टिव्स इस बार कुछ भी करके अपना स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है,
ठीक है, वो पास करवाना चाहते थे। बोले भाई इसको तो हम ऑल इंडिया लेवल पर लेकर ही जाएंगे और इस बार हम मॉडरेट्स को तो मनाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो रेजोल्यूशन आ गया। अब सेकंड क्या है, इस बार भी प्रेसिडेंटशिप के लिए, इस बार भी प्रेसिडेंटशिप के लिए हम लोग नॉमिनेट करते हैं हमारे साइड से लाला लजपत राय को और कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, राइट, ये दोनों का नाम यहां पर प्रपोज किया जाता है। ओके, तो देखिए अब होता क्या है, यहां पर जो सेशन होता है, अब 1906 का जो सेशन है ये कहां होने वाला था, कैलकटा में। ओके, राइट, सॉरी, इस बार नहीं, लाला लजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो कैलकटा में जो सेशन होने वाला था, अब कैलकटा में जो 1906 का जो सेशन होता है, अब क्या होता है, कांग्रेस जो है ठीक है, राइट, यहां पर कहेंगे वापस से अपना हुक्म का इक्का निकालती है, राइट, एस ऑफ स्पेड्स या कहेंगे एस ऑफ हार्ट्स निकालती है और क्या बोलते हैं कि भाई हमारे साइड से इस बार कौन बनेंगे प्रेसिडेंट, जरा इनका नाम बताइए, ये कौन है जरा नाम बताइए, आप कमेंट करके नाम बताइए बेटा। ओके, दादा भाई नवरोजी, बहुत खूब बहुत खूब। आपको ये फोटोज क्यों दिखा रहा हूं मैं, जस्ट बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताया था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर्स एंड गिव देयर कंट्रीब्यूशंस, राइट। ठीक है, तो ये चीज होती है। इस बार भी क्या होता है, पिछली बार भी इनकी बात नहीं मानी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले, अगेन हुक्म का इक्का, अगेन दिस बार क्या होता है, इस बार अगेन हुक्म का इक्का, है ना। ठीक है, एस ऑफ स्पेड्स या एस ऑफ हार्ट्स, राइट। ठीक है, तो इस बार भी जो असर्टिव्स है इनको मुंह की खानी पड़ी थी, मतलब इनका जो कहेंगे जो इनका रेजोल्यूशन था, जो इनकी मंशाएं थी, आप समझिए प्रेसिडेंटशिप बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ठीक है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। तो यहां पर क्या होता है, बैकग्राउंड में जो 1905 में जो असर्टिव्स चाहते थे कि हम लोग का जो मेथड है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रोटेस्ट है, राइट, ठीक है, हड़ताल है, ये सब करना चाहते थे और हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करेंगे। लेकिन मॉडरेट्स क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब मान मान तो हमें क्या मिला है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अपना रिप्रेजेंटेशन मिला है और आप लोग क्या चाहते हैं कि बॉयकॉट कर दे, हम लोग ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना बंद कर दे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सेम 1906 में भी होता है। 1906 में कौन बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो कहेंगे दादा भाई नवरोजी बनते हैं। कौन बनते हैं प्रेसिडेंट, दादा भाई नवरोजी, ठीक है, राइट। और ये कौन है, ये कौन है, अगेन कौन है, ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आईएनसी एंड कहेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन है ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अब किसकी किसकी हिमाकत होगी, असर्टिव्स में से किसकी हिमाकत होगी कि दादा भाई नवरोजी को डाउन कर दे, बोले नहीं दादा भाई नवरोजी नहीं बनेंगे, लाला लजपत राय बनेंगे या बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, ऐसा कभी होगा क्या, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को बेटा, आप समझ रहे हैं, ठीक है, राइट, दादा भाई नवरोजी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनका स्टेटस देखिए, लंदन में कहेंगे हमारा आंदोलन चलाए थे, है ना, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब इतना बड़ा जो पब्लिक फिगर है, इतना बड़ा जो नेता है, क्या इसको हम लोग नीचे उतार दें, नहीं, इनके खिलाफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंटशिप इस बार भी हाथ से गई, जो 1905 में गई थी, ठीक है, जो 1905 में गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले लेकर गए थे। कौन है गोपाल कृष्ण गोखले, मॉडरेट तो है, आपको पढ़ाया है मैंने, आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया है मॉडरेट्स वाला, द मॉडरेट फेज। तो कौन है गोपाल कृष्ण गोखले, मॉडरेट है और इनका योगदान तो हम कभी नहीं भूल सकते, राइट। अब देखिए तो क्या होता है कि इस बार भी हमारे बात तो नहीं मानी गई, ना ही कोई रेजोल्यूशन पास हुआ 1905 में, ना ही हमें प्रेसिडेंटशिप मिली। अब यहां पर 1906 में क्या होता है, कैलकटा के सेशन में दादा भाई नौरोजी को रख देते हैं ये लोग, ठीक है, तो बात ही नहीं, मतलब प्रेसिडेंटशिप की बात ही नहीं उठेगी ना, क्यों उठेगी बात, नहीं उठेगी, ठीक है, राइट, क्योंकि इतने बड़े इंसान है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, इनका रिस्पेक्ट है, राइट, ये बहुत ही बड़े नेता है, क्या इनके सामने हम लोग प्रेसिडेंटशिप लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन इस बार असर्टिव्स की कहेंगे 50% जीत होती है, क्या करते हैं ये अपना रेजोल्यूशन दादा भाई नवरोजी के हाथों पास करवा देते हैं। क्या बोलते हैं, कहेंगे स्वराज लेंगे, क्या लेंगे स्वराज, आपको याद होगा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नवरोजी, अगर आपको याद होगा
तो आपको पता है कि ये 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं, और 1905 वाला मैंने आपको समझाया था कि 1905 जब मैं लेक्चर ले रहा था लाइव लेक्चर, तब मैंने आपको समझाया था कि 1905 वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। और इनकी अध्यक्षता में 3 इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास हुए थे, पता है आपको? यस, फर्स्ट वन टू रेज स्वराज, राइट, ठीक है। और रिजोल्यूशन कौन से पास हुए थे, जरा बुक के पन्ने पलटिए जरा, आपके रिजोल्यूशन कौन से पास हुए थे, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, याद है आपको? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नवरोजी। अगर नहीं याद है तो जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो बेटा कि जो दादा भाई नवरोजी वाला जो है, ठीक है, कि भाई पहली बार जो स्वराज की मांग की गई थी, ये कब की गई थी कांग्रेस प्लेटफॉर्म में, 1906 में की गई थी, ठीक है, बाय दादा भाई नवरोजी। स्वराज वॉज द की नोट ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट कैलकटा इन 1906। हम 1905 पढ़ चुके हैं, जहां पर असर्टिव्स की पूरी तरीके से हार होती है। 1906 में असर्टिव्स को प्रेसिडेंटशिप से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन इनकी जो मांगे थी, और वो मांगे क्या थी, द 4 रेजोल्यूशंस, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन वर पास्ड बाय कांग्रेस अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। याद आया कुछ अभी? ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, राइट। तो क्या होता है यहां पर आई होप आपको याद आया होगा, अब तो याद आया होगा, गिव मी अ थम्स अप। यस यस ओके, ठीक है। तो ये किसके कहेंगे कि अंडर आके करना पड़ता है, प्रेशर में आके करना पड़ता है, असर्टिव्स के प्रेशर में आके करना पड़ता है। असर्टिव्स के प्रेशर में आके आपको क्या करना है, आपको बॉयकॉट, है ना। अब सोचिए, जो मॉडरेट लीडर्स क्या करेंगे, मॉडरेट लीडर्स 3 P's अपनाएंगे, है ना, प्ली, प्रे, पेटिशन अपनाएंगे। तो क्या ये अपने आप से बॉयकॉट का नाम लेंगे, अपनी कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप में बॉयकॉट करेंगे? नहीं करेंगे। स्वदेशी का बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट कौन शुरू करता है? असर्टिव्स शुरू करवाते हैं, ठीक है। और असर्टिव्स के प्रेशर में आके दादा भाई नवरोजी, और वी कैन से जो कांग्रेस है, उसको ये बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, ये सब पास करवाना पड़ता है। समझ में आया बेटा? आया समझ में? ठीक है। तो इस बार भी क्या होता है, इस बार भी कैलकटा के सेशन में कहेंगे कि तिलक महाराज और लाला लजपत राय जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, ठीक है, राइट, इनका प्रेसिडेंटशिप चले जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो 4 रेजोल्यूशंस है, जो कहेंगे कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी किसकी थी, असर्टिव्स की थी, ये पास होती है। ओके, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। जरा रुकिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, कहां था मैं। ओके, राइट, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 1905 कौन है, ये बनारस में होता है, जीके जी कहते हैं इनको, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जीके जी, ओके, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सेशन खत्म होता है, असर्टिव्स को कुछ नहीं मिलता। यहां पर कहेंगे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनकी अध्यक्षता में 4 रेजोल्यूशंस पास होते हैं और ये खत्म हो जाता है। तो यहां पर अगले साल की जो बात कर रहे थे वो भी नहीं हुआ। तो यहां पर 1906 में क्या होता है, बोले कुछ नहीं, अगले साल जो 1907 का जो सेशन है, ठीक है, राइट, वहां पर कहेंगे अध्यक्षता, जो असर्टिव्स की जो अध्यक्षता है, मतलब जो प्रेसिडेंटशिप है, सॉरी, कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप है, वो असर्टिव्स के हाथ में होनी चाहिए। कोई कहेंगे कि जो लाल बाल पाल है या अरविंदो घोष है, उनमें से ही कोई बनेगा, कहेंगे, नया प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस का अगले साल, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगेन द सेम चीज, भाई जो मॉडरेट है वो अपनी इतनी आसानी से अपने हाथ से सत्ता नहीं जाने देना चाहते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए, अब यहां पर 2 चीजें हैं कि यहां कांग्रेस का एक रूल था। कांग्रेस का रूल क्या था कि भाई जिस जगह पर सेशन होता है, जिस जगह पर सेशन होने वाला है, ठीक है, वहां पर जो प्रेसिडेंट बनेगा वो उस जगह से नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में सेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल,
अहमदाबाद में सेशन हो रहा है तो मैं नहीं बन पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाऊंगा? क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहता हूं, राइट? समझ में आया? दूसरा कोई बनेगा, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन बन जाए, राइट? तो यहां पर क्या होता है कि अभी तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट बैकग्राउंड में शुरू है, ठीक है? राइट फ्रॉम 1905 स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट शुरू है बैकग्राउंड में, 1906 में भी हो जाता है, आधिकारिक तौर पर कहेंगे कि रेजोल्यूशन भी पास हो जाता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट? 1907 में क्या होता है, मॉडरेट्स चाहते थे, मॉडरेट्स चाहते थे कि सूरत में सेशन हो। कहां सेशन होगा? सूरत में। लेकिन जो असर्टिव्स है वो चाहते थे कि सेशन होगा नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। अब सूरत कहां है? सूरत किस में है? तो कहेंगे बॉम्बे में है, कि ठीक है, बॉम्बे जो प्रोविंस है ना, आपको पता होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों एक ही स्टेट थे, ठीक है, और मोरारजी देसाई उनके पहले चीफ मिनिस्टर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, राइट? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट हुआ करता था, और फिर उसको लैंग्वेज के आधार पर 1960 में इसको डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट मे को, ओके, ठीक है, गुजराती स्पीकिंग पीपल गुजराती तो गुजरात में रहेंगे, मराठी स्पीकिंग पीपल मराठी तो वो महाराष्ट्र में रहेंगे, इस तरीके से। तो क्या है कि जो सूरत है वो कहां होता था? बॉम्बे प्रोविंस में आता था, और नागपुर जो है वो कहां आता था? सेंट्रल प्रोविंस में। तो असर्टिव चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने। अगेन आपको पता है बाल गंगाधर तिलक कहां पर जन्मे थे, कहां से बिलोंग करते थे, ये जरा बताइए, कमेंट करके बताइए। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक मराठी थे, है ना? यस, बॉम्बे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब महाराष्ट्र में, राइट? ठीक है, तो अब होगा क्या कि नागपुर में जब सेशन होगा, और नागपुर कहां पर है? सेंट्रल प्रोविंस में है, है ना? तो लाजमी सी बात है कि बाल गंगाधर तिलक को यहां पर नागपुर में प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अगेन क्या किया मॉडरेट्स ने क्या किया, एक चाल चली और बोला नहीं, सूरत में ही सेशन होगा। कहां सेशन होगा भाई? सूरत में। तो भाई बाल गंगाधर तिलक का नाम कट गया यहां से, ऑटोमेटिकली कट गया, है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात को? आप लोग समझ रहे मेरी बात को? ये चीज समझ रहे आप लोग? बैकग्राउंड समझ रहे हैं? गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स। यस यस, ओके, किसी का नो आया? अच्छा, किसी का नो आया था, ओके, देखता हूं मैं, वापस समझाता हूं। देखिए, कांग्रेस का एक रूल था, कांग्रेस का रूल क्या था कि भाई जिस जगह पे सेशन होने वाला है, ठीक है, तो होम टाउन जो होगा, मतलब उस प्रोविंस में जो आएगा, तो वो उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। जैसे 1907 में मॉडरेट्स चाहते थे कि सेशन कहां हो? सूरत में हो। कौन है सूरत? कहां पर है? तो कहेंगे बॉम्बे प्रोविंस में है, वो बॉम्बे प्रोविंस में आता था, ठीक है। और असर्टिव चाहते थे सेशन कहां हो? नागपुर में हो। क्यों? नागपुर कहां है? सेंट्रल प्रोविंसेस में है। कहां है? सेंट्रल प्रोविंस में है। और असर्टिव की साइड से कौन था प्रेसिडेंट का उम्मीदवार? हु वाज द नॉमिनी? तो कहेंगे बाल गंगाधर तिलक महाराज थे। तो जब नागपुर में होगा सेशन, तो तिलक महाराज आराम से बैठ पाएंगे प्रेसिडेंट के लिए, है ना? लेकिन मॉडरेट्स बड़े चालाक निकले, मॉडरेट्स ने बोला सूरत में करवाइए। तो जैसे ही सूरत में आएगा सेशन, तो इनका नाम कट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना? ठीक है। और 1907 में कौन बनता है प्रेसिडेंट? तो कहेंगे रास बिहारी घोष, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन है ये? रास बिहारी घोष, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया आपको। आया समझ में? अभी आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप बेटा। ओके, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड समझाया। 1905 से लेकर 1905, 1906, 1907, ओके, ठीक है। रूल क्या था? रूल यही था ना कि सपोज कि फॉर एग्जांपल ये जो है ना, देखिए नागपुर में सेशन होगा तो कहेंगे कि नागपुर वाला इंसान नहीं बैठेगा, बॉम्बे वाला बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि ये अलग होम टाउन है, ठीक है, राइट? तो यही चीज क्या हुआ यहां पर दोहराई गई कि नागपुर में अगर सेशन होगा
तो बाल गंगाधर तिलक आराम से बैठेंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कहां से आते थे? बॉम्बे प्रोविंस से आते थे, ठीक है, महाराष्ट्र से आते थे, लेकिन होने वाला कहां है? ये सेंट्रल प्रोविंस में होने वाला है सेशन। तो बाल गंगाधर तिलक आराम से बैठ सकते थे, प्रेसिडेंट बन सकते थे नागपुर के, लेकिन मॉडरेट्स ने क्या किया? सूरत का सेशन करवाया, ठीक है, बोले बाल गंगाधर तिलक का नाम काटो यहां से, क्योंकि देखो सूरत कहां पर है? बॉम्बे प्रोविंस में है। बॉम्बे प्रोविंस किसका है? बाल गंगाधर तिलक का होम टाउन है, तो ऑब्वियसली वो नहीं बैठेंगे, पत्ता ही कट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ लिखा है, वो देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, दादा भाई नवरोजी, ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर अ थर्ड टाइम। नवरोजी वॉज अ स्टॉन्च मॉडरेट विद इन द कांग्रेस ड्यूरिंग द फेज व्हेन ओपिनियन इन द पार्टी वॉज स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब दादा भाई नवरोजी उसकी अध्यक्षता करते हैं। नवरोजी वॉज अ मेंटर टू बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए आ गया गोपाल कृष्ण गोखले, एंड एम के गांधी ऑल्सो, ठीक है, राइट, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी, राइट, ठीक है। तो क्या है ये? दादा भाई नवरोजी का स्टेटस था, तो सीधी सी बात है, बाल गंगाधर तिलक अपोज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना, ठीक है, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है, यहां पर सूरत का सेशन होता है, तो ओरिजिनली सेशन वॉज टू बी हेल्ड एट नागपुर, कहां सेशन होने वाला था? नागपुर में, बट फियरिंग दैट लोकमान्य तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वुड हैव एन अपर हैंड इन नागपुर, है ना, राइट, द मॉडरेट कैंप्स लीडर गोखले स्विच द वेन्यू टू सूरत। तो गोखले साहब क्या करते हैं, वेन्यू जो है, जो निर्धारित जगह है नागपुर, उसको बदल देते हैं, कहां बदल देते हैं? सूरत में बदल देते हैं। एक्सट्रीमिस्ट देन प्रपोज लाला लजपत राय's नेम एज प्रेसिडेंट, बट द सजेशन वॉज रिजेक्टेड, ठीक है, एंड तिलक वॉज इम्प्रेजेंट इन मैंडले फ्रॉम 1908 टू 1914, बट रिजॉइन द कांग्रेस आफ्टर हिज रिलीज। ठीक है, तो मेन चीज क्या है यहां पर, जो मेन चीज पढ़नी थी आपको वो यही थी कि भाई किसने बदला, ठीक है, यू कांट हियर माई वॉइस, इज माई वॉइस क्लियर बेटा, इज माई वॉइस क्लियर? यस सर, यस, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये समझ में आया, ये कथा समझ में आई कि भाई नागपुर में जो लोकमान्य तिलक है, जो बाल गंगाधर तिलक है, उनका अपर हैंड होगा, क्यों? ऑब्वियस ही बात है कि तिलक महाराज बॉम्बे प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल प्रोविंस से बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या किया इन्होंने वेन्यू ही चेंज कर दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने वेन्यू ही चेंज कर दिया, बोले सूरत लेके जाओ, सेशन कहां होगा? तापी नदी के किनारे होगा, ठीक है, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बन सकते थे, लेकिन कौन बन सकता था? अगेन वन असर्टिव, कौन है वो? लाला लजपत राय, बोले ये तो भाई पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो इनको तो बना सकते हो आप लोग प्रेसिडेंट। लेकिन क्या होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स में लाला लजपत राय का नाम ही कट हो जाता है, इट वॉज रिजेक्टेड, ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तो कहेंगे 1907 का सेशन होता है, कहां होता है? सॉरी, कलकत्ता नहीं, सूरत में होता है। अब होता क्या है, गुस्सा तो था ही, असर्टिव्स का गुस्सा था, अब पेंडोल होता है, पेंडोल समझते हो बेटा, पेंडोल क्या होता है? पंडाल, एक बड़ा सा तंबू बांधते हैं, टेंट बांधते हैं, है ना, और वहां पे सेशन होता है। तो स्टेज पे दादा भाई नवरोजी बैठे थे यहां पर, ठीक है, इनके बाजू में एस एन बैनर्जी बैठे थे और राज बिहारी घोष बैठे थे। अचानक से भीड़ में गुस्सा तो था ही, ठीक है, भीड़ में से अचानक से चप्पल उड़के, शूज उड़के, कहेंगे दादा भाई नवरोजी और एस एन बैनर्जी, ठीक है, इनके बीच में से निकल जाता है, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या होता है, जब कोई जूता मारने की कोशिश करेगा, वो भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को या उनके बगल से निकलेगा, तो मॉडरेट्स के लिए क्या होगा? ये अपमान होगा। अब देखते ही देखते क्या होता है कि दोनों जो ग्रुप्स है, चाहे वो मॉडरेट्स हो या असर्टिव्स के जो ग्रुप्स हो, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, चप्पले, कुर्सियां, लाते, घूसे, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ वो पेंडोल में
होता है, सब कुछ वो तंबू में होता है, ठीक है, मारमारी हो जाती है एक तरीके से, और पुलिस को बुलाना पड़ता है, और पुलिस क्या करती है, पुलिस सारे असर्टिव्स के जो लीडर्स है उनको पकड़ के लेके जाती है, मतलब सिचुएशन कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। ओके ठीक है, तो ये था सूरत का सेशन। अब सूरत में क्या होता है, इसके बाद सूरत में कहेंगे मॉडरेट्स अपनी जगह पर और असर्टिव्स अपनी जगह पर, दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाता है। आई होप अभी आपको सूरत का सेशन समझ में आया होगा कि भाई सूरत स्प्लिट क्या है। आया समझ में? ओके ओके ठीक है बेटा, अब मैं पढ़ता हूं, हार्डली बहुत सारी स्लाइड्स हैं और मेरे पास आज भी 15 मिनट ही बाकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका कोई लेक्चर नहीं है, मेरा भी कोई लेक्चर नहीं है। ओके ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म करके ही जाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैंने जो स्टोरी समझाई उसको साइड पर रखिएगा और यहां पर ध्यान दीजिएगा। द अर्ली नेशनलिस्ट हैड कंट्रोल्ड द कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग, यस सही बात है, राइट फ्रॉम 1885 टू 1905। दे हैड देयर ओन आइडियल्स, वे ऑफ थिंकिंग एंड मेथड्स ऑफ अचीविंग देयर एम्स, सही है कि भाई मॉडरेट्स के पास अपना खुद का आइडियल थे, आइडियल्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स, वे ऑफ थिंकिंग, मेथड्स भी अलग थे इनके। दे वर लॉयल टू इंग्लिश थ्रोन, ये कुछ नया नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सब कुछ सेम है अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। द अर्ली नेशनलिस्ट डिनाउंस द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड एट बनारस, ठीक है, जो यूनाइटेड प्रोविंस में था, जो उत्तर प्रदेश में है आज, in 1905. They even started Swadeshi movement in Bengal, but they were not going to change their aims and methods of working. सही बात है कि भाई moderates ने denounce तो किया लेकिन अपना method change नहीं करना चाहते थे। लेकिन on the other hand, the young leaders like Tilak, like Lala Lajpat Rai, Aurobindo Ghosh denounced this aims. ओके और ये तीनों फोटोज मैंने इंक्लूड किए हैं। ये कौन है, तो कहेंगे जीके जी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नवरोजी, राज बिहारी घोष, ये 1905 कहेंगे बनारस, राइट, ये 1906 कहेंगे कैलकाटा, और 1907 कहेंगे सूरत। ओके ये याद रखना है आपको, सेशंस याद रखने हैं, तभी जाके आप स्टोरी लिख पाएंगे। चलिए अब तो क्या किया, ये लाला लजपत राय एंड असर्टिव्स ने सारे एम्स, जो मॉडरेट्स के एम्स थे, जो प्रोग्राम्स थे, इनको खारिज कर दिया, बोले नहीं हमें यूज नहीं कर, हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। दे वांटेड टू कन्वर्ट द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इनटू एन ऑल इंडिया मूवमेंट, सही है ना, पैन इंडिया बनाना चाहते थे, ये तो आपको बता ही चुका हूं। एंड वॉन्टेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैसिव रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, बोले कि कुछ भी करो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, स्कूल्स और कॉलेजेस बॉयकॉट करो, लॉ कोर्ट्स बॉयकॉट करो, हॉस्पिटल्स बॉयकॉट करो, राइट, सब कुछ करो, इवन के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बॉयकॉट करो, और ब्रिटिश की कमर तोड़ दो, बोले स्वराज तो हम लेके रहेंगे, 1906 में स्वराज लेके रहेंगे, और स्वराज जब लेंगे उसके बाद क्या लेंगे, आजादी लेंगे, तुरंत आजादी ले लेंगे, जैसे ही स्वराज लिया वैसे ही आजादी ले लेंगे, इनको भगा देंगे। ये कौन मानते थे, असर्टिव्स मानते थे, मतलब खून का बदला खून से लेंगे, मतलब इतने भी कहेंगे कि ज्यादा रेडिकल नहीं थे, लेकिन मैं यहाँ पर मतलब असर्टिव्स कभी भी वॉयलेंस की तरफ नहीं गए, लेकिन इनकी मेथड्स ऐसी थी जो दूसरों को वॉयलेंस के लिए उकसाती थी, समझ में आया, राइट। सो क्या है कि जो असर्टिव्स थे ये बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को ऑल इंडिया मूवमेंट बनाना चाहते थे, एंड वॉन्टेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैसिव रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। द अर्ली नेशनलिस्ट वर नॉट रेडी टू अग्री टू इट, है ना, सही बात है, अर्ली नेशनलिस्ट अग्री नहीं करना चाहते थे। एट द एंड ऑफ द सेशन द यंग लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड अ सेपरेट कन्वेंशन एंड फॉर्मड अ न्यू पार्टी ऑफ नेशनलिस्ट अजिटेटर्स, दे वांटेड टू अचीव स्वराज थ्रू विगरस पॉलिटिकल एक्शंस। ओके आफ्टर द सेशन बोथ द ग्रुप्स बिगेन टू अपोज वेहेमेंटली द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ ईच अदर। द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड एट कलकत्ता इन 1906. The Congress passed resolutions on Swaraj, Swadeshi, boycott and national education. The early nationalists accepted these resolutions under pressure. ठीक है, मैंने कहा ना कि
कि दादा भाई नवरोजी 1906 क्या है, प्रेशर में आके, असर्टिव्स के प्रेशर में आके, स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी, बोले आधिकारिक तौर पर रेजोल्यूशन पास करो, बोले आधिकारिक तौर, लीगली लीगली मानो कि भाई हम भी स्वदेशी और बॉयकॉट के साथ है। जब ब्रिटिशर्स को ये पैगाम जाएगा कि कांग्रेस के सेशन में स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ, स्वदेशी बॉयकॉट का रेजोल्यूशन पास हुआ, तो मॉडरेट्स को जवाब देना पड़ेगा भाई, ठीक है, जो समझते हैं, जो क्या समझते हैं कि हम लॉयल है, है ना। एट दिस सेशन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स केम टू द सर्फेस, बट असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट गेन एंड अपर हैंड, क्यों, बिकॉज उनका रेजोल्यूशन, उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी की गई थी। हालांकि अभी तक अध्यक्षता नहीं मिली 1906 में, अभी तक अध्यक्षता नहीं मिली थी, प्रेसिडेंटशिप नहीं मिली थी। अब देखिए, द नेक्स्ट एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड एट सूरत इन 1907। द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट अप्रूव द रेजोल्यूशंस पास्ड इन 1906, है ना। तो क्या था कि 1906 में जो चार रेजोल्यूशन पास किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, बोले इसको अब खारिज करो। 1906 में तो प्रेशर में आके किया था, लेकिन 1907 में जो किया है उसको अब अंडू करना है, और इसकी वजह से क्या होता है, एंड दे वर ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग असर्टिव मींस, दे वॉन्टेड टू अंडू वॉट हैड हैपेंड एट कलकत्ता सेशन। द असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट वर नॉट प्रिपेयर टू अलाउ देम टू डू सो, सो अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन देम बिकेम इनएविटेबल। द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस डिड नॉट इंक्लूड द रेजोल्यूशंस ऑफ स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। When S.N. Banerjee got up to propose Dr. Raj Bihari Ghosh for the presidentship, he was shouted down by the assertive radical nationalist. Tilak was refused the permission to address the session. At this juncture, kya hota hai? Confusion prevailed in the pandal. Pandal matlab tent. There were clashes between the two groups. Lathis, sticks were used freely. Chairs were thrown on the dais, dais का मतलब platform, and shoes were hurled at each other. The police had to intervene to restore peace. As a result, the session had to be suspended. अब Annie Besant क्या कहती है? The Surat episode was the saddest episode in the history of Congress. The early nationalists held their convention separately the next day and expelled the radical nationalists from it. The assertive radical nationalists decided to carry on their struggle against the government. They held their sway over the national movement up till 1915. Okay, aur yahan par aapka chapter khatam hota hai.